देखिए, चुनाव अब सिर पे हैं बिल्कुल, और कल से नॉमिनेशन फाइल होना भी शुरू हो जाएगा। और बीजेपी इस वक्त, मैं बताऊं, एक ऐसे फैसले के कारण इस वक्त चर्चा में है कि भैया, जो किसी ने सोचा नहीं था। बीजेपी की सबसे बड़ी बात ही होती है भाई, सरप्राइज, एलिमेंट ऑफ सरप्राइज हमेशा रखती है, और इस बार एलिमेंट ऑफ सरप्राइज था इनका रायशुमारी वाला जो सिस्टम था। इस रायशुमारी वाले सिस्टम में मैं बताऊँ, शाहपुर में हंगामा हो गया बीजेपी के अंदर ही, और हमीरपुर में दो जगह पे जहाँ इन्होंने सेंटर बना रखे थे वहाँ हंगामा हो गया। बड़े बड़े बैलेट बॉक्स आए थे भैया, जैसे कि इलेक्शन, पहले के इलेक्शन होते थे उसमें बैलेट बॉक्स होते थे, अपना किसको आप वोट देना चाहते हैं उससे उसका नाम पे ठप्पा लगाइए और उस बैलेट बॉक्स में डाल दीजिए। तो इस तरीके से रायशुमारी, रायशुमारी एक उर्दू का शब्द है, उसका मतलब होता है कि राय बनाना, मतलब कि जो कार्यकर्ता हैं बीजेपी के, वो किसके पक्ष में, किसको चाहते हैं कि उसे टिकट दिया जाए। इस प्रकार पूरे के पूरे हिमाचल में इन्होंने अचानक से आज ये इस प्रकार का एक फैसला लिया, और इसमें काफ़ी सारे कुछ हमें कई जगह से ऐसी भी खबरें आई कि जहाँ पे थोड़ी गर्मा गर्मी हो गई। और हमीरपुर की आपको खबर बता दें कि वहाँ क्या बवाल हुआ। हमीरपुर जिला मुख्यालय में रविवार को भाजपा के चार संगठनात्मक जिलों के संभावित प्रत्याशियों को लेकर पार्टी पदाधिकारियों और वरिष्ठ कार्यकर्ताओं से राय जानने के लिए बैठक आयोजन किया गया था। बैठक के लिए हमीरपुर शहर में चार स्थल तय किए गए थे। दरअसल इस बैठक में भाजपा संगठन की निर्धारित श्रेणियों के पदाधिकारी और नेता अपेक्षित थे। तो ऐसा बोला जाता है कि भैया, उनको कॉल किया है, आपने इन लोगों ने आना है, लेकिन बताया जा रहा है कि दो बैठक स्थलों पर बवाल हो गया। कार्यकर्ताओं में रोष देखने को मिला कि उन्हें समय पर, एक तो समय पर इन्होंने सूचना नहीं दी कि बैठक में आना है, और कुछ कार्यकर्ता ऐन मौके पर बैठक के लिए पहुंचे, और जब वहीं कुछ कार्यकर्ता थे, जब वो पहुंचे वहां पे तो उनको कहा गया कि भाई आपकी एंट्री अंदर होगी नहीं। और बहसबाजी के बाद कुछ वरिष्ठ पदाधिकारियों को प्रवेश भी मिला। संगठनात्मक जिला हमीरपुर की बैठक में कुछ पदाधिकारियों को बहसबाजी के बाद प्रवेश मिला। इस बैठक में सदर भाजपा मंडल हमीरपुर के वरिष्ठ कार्यकर्ता जब ऐन मौके पर बैठक में पहुंचे तो उन्हें भी बैठक स्थल पर प्रवेश मना कर दिया गया था। इन पदाधिकारियों ने विरोध दर्ज करवाया और अपनी पात्रता भी साबित की। इसके बाद इन कार्यकर्ताओं को बैठक स्थल में प्रवेश दिया गया। माना जा रहा है कि टिकट तय करने से ठीक पहले पार्टी में इस नए प्रयोग से खलबली मच गई है भाई, इंटरनल पॉलिटिक्स हलचल मची है। इस वक्त कांग्रेस की हम खबरें सुन रहे थे कि वहाँ बड़ी हलचल मची है, लोग बोल रहे हैं कि भैया हम इस्तीफा दे देंगे, हमको टिकट नहीं मिला या हमारे चहेतों को टिकट नहीं मिला। लेकिन यहाँ देखिए, आज जो ये रायशुमारी हुई इसमें बीजेपी में भी थोड़ी बहुत हलचल पैदा कर दी है इंटरनल पॉलिटिक्स में। कई वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को ये नागवार गुजर रहा है, और वो यही कह रहे हैं कि इस तरीके की जो चीज़ें होती है पहले से बता के रखो अगर ऐसा करना है तो। अच्छा, वही जो महामंत्री हैं भाजपा के, प्रदेश महामंत्री त्रिलोक जी, वो भी जो त्रिलोक जम्वाल जी वहाँ पर मौजूद थे, तो उन्होंने कहा है कि जब उनसे पत्रकारों ने पूछा कि भैया ऐसा ऐसा हो गया, आपके कार्यकर्ता तो आपस में ही वहाँ पे भिड़ गए दो जगह पे इस रायशुमारी की घटना पे, तो उन्होंने फिर ये कहा कि हो सकता है कोई छोटा मोटा मसला रहा हो। उन्होंने कहा कि 8 से 10 श्रेणी के कार्यकर्ता इस बैठक में बुलाए गए थे, पूर्व विधायकों और 2017 के चुनावों के पार्टी प्रत्याशियों को बैठक में नहीं बुलाया गया था। ये इम्पॉर्टेंट बात है भाई, 2017 का प्रत्याशी बैठक में कोई भी मौजूद नहीं था। तो चलिए जम्वाल जी की बाइट सुनाते हैं आपको, क्या कहा उन्होंने पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए। बैठक से उनको निकाल दिया गया, कुछ नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा किसी को नहीं निकाला है, सब हमारे कार्यकर्ता है, पार्टी किसी को निकाल दी नहीं, हम लोग थे वहां। नहीं, ये कोई ऐसा छोटा मोटा विषय होगा ध्यान। तो इसमें वोटर लिस्टों का कैसे था, मतलब जो जिनकी राय ली थी पार्टी ने, पूरे प्रदेश में एक यूनिफॉर्म पॉलिसी तय की थी कि हमारे इस श्रेणी के कार्यकर्ता अपेक्षित, उसमें 8-10 श्रेणी के कार्यकर्ता, क्योंकि पूरे सबका राय नहीं ली जा सकती, पूरी पार्लियामेंट की राय नहीं ली, तो पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, जो रिस्पॉन्सिबल कार्यकर्ता हैं, उनकी राय थी। पूर्व विधायकों को भी इसमें पार्टी ने कैटेगरी सेट की थी, उसमें जो
पूर्व विधायक जो प्रत्याशी जो ये थे उनको थोड़ा इससे दूर रखा था ताकि कार्यकर्ता अपना खुल कर अपनी राय नहीं देखिए वो कैटेगरी में किसी में फॉल करते होंगे इसलिए वो आए होंगे मुझे जानकारी नहीं है वही कोई संगठन का कोई दायित्व रहा होगा उसके नियमित एलिजिबल होंगे तो बुलाए वैसे लगभग कितने कितने लोगों की पार्टी ने सिर्फ राय जैसा कि आपने कहा कि कार्यकर्ता ये सिर्फ मैंने कहा राय ले लिया कार्यकर्ताओं ने अपना मत दिया है पार्टी को कंपाइल करें बाकी कितने कितने लोग थे मैकेनिज्म है कि कहीं छूट दी गई थी स्पेशल कैटेगरी में क्या कर सकते हैं नहीं उसमें देखिए पार्टी ने मैंने कहा कि एक जो हमारी डिफाइंड कैटेगरी है उसमें जो हमारा प्रत्याशी पूर्व में रहा है पूर्व में ऐसा नहीं कि लास्ट आप सदियों से गिनते हैं उसके पास कोई और विधायक आज विधायक नहीं है लेकिन और पार्टी को विधायक कंसीडर किया है यह सिर्फ हमारा सलाह मशवरा है 2017 का कोई भी प्रत्याशी मुझे नहीं लगता किसी बैठक में अपनी उपस्थित नहीं कुछ ऐसा तो तो क्या कहना है आपका इस पे ये जो भाजपा का एकदम से सरप्राइज एलिमेंट था राय शुमारी का क्या कारण हो सकता है कि बीजेपी को जबकि सर्वे हो चुके हैं अब तो कल से तो नॉमिनेशन फाइल करने की तारीख स्टार्ट होने वाली है 25 को लास्ट डेट है नॉमिनेशन की और दोनों पार्टियां अभी तक कोई फैसले पे पहुंच ही नहीं पा रही भैया खलबली मची हुई है दोनों पार्टियों को भीतरघात का डर सता रहा है या राय शुमारी वाले जो एकदम से अचानक से बीजेपी ने फैसला किया इस पर आप लोगों का क्या कहना है ज़रूर हमें बताइए और इस प्रकार का कंटेंट हम लाते रहेंगे चुनावों से जुड़ी एक से बढ़कर एक खबरें अगर आप देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को फेसबुक पर लाइक और फॉलो ज़रूर करें और यूट्यूब पर हमारा जो चैनल है उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें मुकेश सिंह ठाकुर को दीजिए इजाज़त नमस्कार फेसबुक पर पोलस्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।